हसीन इसमें कही, अशफाक अहमद मरहूम जिनका अभी आपने तस्करा किया, मेरे पास डेरे पर आए जेलम, जो उनका अपना एक स्टाइल था मशरकी पंजाब की वो लैंग्वेज का, कहने लगे इरफान साहब अगर बच्चे के चोट लग जाए, साइकिल से गिर जाए, नाली में गिर जाए, कोई मारे, माँ ही मारे, तो बच्चा माँ की गोद में पनाह लेता है, ठीक, उसको माँ की गोद अवेलेबल है। जो अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है उसकी गोद कहाँ है? ये अशफाक मरहूम ने, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, मुझसे सवाल किया। मैं कह यार अशफाक अहमद इतनी उम्र तक पहुँच गए और अल्लाह की गोद नहीं मालूम? कहते नहीं मालूम। मैंने कहा तौबा अल्लाह की गोद है उसमें पनाह, क्या बात, सुभान, तौबा अल्लाह की गोद है उसमें पनाह लो। बिल्कुल, तो वो बुनियाद है। एक बात बहुत जरूरी है जो ये पनिशमेंट की और आप खौफ की बात जो आपने की, हमें जो अल्लाह से डराया जाता है वो अल्लाह से नहीं डराया जाता, अच्छा हमें उसकी मखलूक से डराया जाता है, दोजक से, जन्नत से। दोजक अल्लाह की एक अदना मखलूक है, उसके खौफ से मैं डर जाऊं तो मेरा तो मायार ही नहीं रहा। डरना खालिक से है, मखलूक से नहीं डरना, क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बुनियाद है, इस पे आप समझे। हमारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, गोलियां खेलते हैं, शरारते करते हैं, माँ कहती है तेरा बाप शाम को आएगा ना तेरी टांगे तोड़वाऊंगी, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं तुझे, मैं आज तुझे जरूर पिटवाऊंगी, आने दो जरा। कितनी माओं ने टांगे तोड़वाई हैं अपने बच्चों, क्या बात, क्या बात। अल्लाह का डर ये है कि वो अपनी मोहब्बत हमारे सीनों से खींच ना ले, जो हम उसे याद करते हैं, उसने तौफीक दी है, वो हमसे उसको ना पोशीदा ना कर दे। अल्लाह की मोहब्बत ये नहीं है कि मुझे अजाब करेगा। अल्लाह कहता है हमें क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब करे, मुझे क्या पड़ी है। और देखें हर चीज का इंट्रोडक्शन होता है, अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, सारी क्वालिटीज हैं, इंट्रोडक्शन ये नहीं है उसका, ठीक, उसका इंट्रोडक्शन रहमान और रहीम है, बिल्कुल वो उसका इंट्रोडक्शन है, और जो उसका इंट्रोडक्शन है वही इंट्रोडक्शन उसने अपने हबीब को कि रहमत लिल आलमीन के दर्जे पे पहुंचा दिया। तो अपना प्रोग्राम तो अल्लाह ने आपको बता दिया, पनिशमेंट करने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं। रोजे के बारे में जो आए थे ना, उसमें मैं कुतबा अलैकुमुस्सयाम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए, लिख दिया। अल्लाह अपने बारे में भी यही आयत करता है, कहता है कुतबा अला नफ्से रहमा, मैंने अपने ऊपर रहमत फर्ज की, अपने नफ्स पर, अपने नफ्स पर रहमत फर्ज की, सुभान, जैसे हम पर रोजे फर्ज हैं अल्लाह तबारक व तआला पर रहमत फर्ज है। बस वो जो एक यकीन है ना, जो आपके अंदर दिल के यकीन हो, वो नहीं है ना, वो हम का मतलब पता क्या है, हमें किसी चीज पे यकीन नहीं है। आपको यकीन हो ना कि आपने कराची में आपका घर है और पीटीवी में सिर्फ एक महीने के लिए प्रोग्राम करने आई हैं, तो आप यहाँ डिफेंस में कोठी नहीं बनाएंगे, सही, आप यहाँ घर नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल, आप यहाँ बहुत सारी खिलारा नहीं खिलाएंगे, आसाइशें इकट्ठी नहीं करेंगे। हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि हमारे लिए कोई घर तैयार है, अल्लाह तबारक तआला रखा हुआ, और इस बेयकीनी की वजह से ही ये सब जो है ना मसाइल भी हैं। और ये साहब इसमें बड़े मजे की बात हुई, एक साहब आए कतर से, जी जी, तो मुझसे मिले, सराय आलमगीर के रहने वाले हैं। मैंने कहा भाई कतर में मकान बनाया? कहने जी मैं उत्थे को रहना है, जाय में उसने जवाब दिया मैंने कतर में कोई रहना है, सही। वो मैंने कहा तुझे कतर में ना रहने का यकीन है और सराय आलमगीर में रहने का यकीन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के बारे में जो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही है ना, वो हमारे यकीन के लिए, हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम इन चीजों पे गौर नहीं करते। आपका फरमान है कि मेरा अल्लाह तो वो है, मेरा अल्लाह तो वो है जो काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर पर रींगने वाली काली कीड़ी की आवाज को भी सुनता है और उसको देखता भी। सुभान सुभान, हमें कितना वाच कर रहा होगा और हम पे कौन कौन सी शहादतें खड़ी हो रही होंगी, एक लम्हा फिक्रिया है।